इस वक्त पूरे देश भर में इन दिनों पेपर लीक का मामला काफी जोरों शोरों पर है। नीट यूजी परीक्षा परिणाम 2024 को लेकर विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस बीच लखनऊ के नीट स्टूडेंट आयुषी पटेल को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब भाजपा ने प्रियंका गांधी पर पलटवार किया है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आपको प्रियंका वाड्रा का वह ट्वीट याद है जिसमें प्रियंका वाड्रा ने आयुषी पटेल का वीडियो रिट्वीट किया था जिससे उन्हें परीक्षा के परिणामों के बारे में कुछ अजीब दावे कर रही थी। अब ऐसे में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने NIT उम्मीदवार आयुषी पटेल द्वारा याचिका खारिज कर दी है। नीट विवाद का चेहरा रही आयुषी पटेल ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA पर आरोप लगाया था कि NTA उसका परिणाम घोषित करने में विफल रही और उसकी OMR आंसर शीट फटी हुई पाई गई। आयुषी ने अपने ही लगाए आरोपों में उलझ कर रह गई हैं। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयुषी की याचिका खारिज कर दी है और कहा है कि उन्होंने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA पर झूठे आरोप लगाए थे। बता दें तो वहीं सुनवाई के दौरान NTA द्वारा सबूत पेश किए जाने के बाद कोर्ट ने पाया कि आयुषी पटेल ने दस्तावेजों में जालसाजी की थी और OMR आंसर शीट अभी भी सही है। बता दें कि असल में NTA ने सुनवाई के दौरान आयुषी पटेल के असली परीक्षा वाले पेपर पेश किए थे। हाईकोर्ट ने कहा कि उसने फर्जी दस्तावेज दिए थे और OMR आंसर शीट अभी भी ठीक है। कोर्ट ने पाया है कि आयुषी पटेल ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर याचिका दाखिल की थी। आपको बता दें इलाहाबाद कोर्ट ने यह भी कहा कि NTA अब आयुषी पटेल के झूठे दावों के लिए उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है। वहीं NTA ने यह भी कोर्ट में बताया कि उनकी तरफ से आयुषी पटेल को कोई ईमेल नहीं भेजा गया था। बता दें NTA ने छात्रा के सभी दावों को गलत बताया है। असल में आयुषी पटेल की नीट परीक्षा में 720 में से 355 नंबर आए थे। वही आयुषी का दावा था कि उसके आंसर शीट पर 715 नंबर आए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी पाया कि आयुषी पटेल के 355 नंबर ही आए हैं। इस मामले की छानबीन के बाद यह भी सामने आया है कि NTA की ओर से आयुषी पटेल का रिजल्ट गलत एप्लीकेशन नंबर से अपलोड किया गया था। आयुषी के मुताबिक एडमिट कार्ड पर उनका एप्लीकेशन नंबर था 2404118407 जिसकी OMR शीट फटी होने की बात कही गई थी, लेकिन NTA अब आयुषी का एप्लीकेशन 2401134071 पर डाला तो उनका रिजल्ट सबके सामने था जहां उनको सिर्फ 355 ही नंबर आए थे। वहीं आपको बता दें कि न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ ने याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि वास्तव में खेदजनक स्थिति है कि आयुषी पटेल ने जाली और काल्पनिक दस्तावेजों के साथ याचिका दायर की थी। ऐसे में आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।